Good morning, student. Welcome to your first computer class. In this particular lecture, I will be talking about computer fundamentals. So, as you can see, आप स्क्रीन देख सकते हैं कि मैंने कुछ टॉपिक्स टू कवर लिखे हैं, जिसमें आई विल टॉक अबाउट बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, उस पर रोल ऑफ इनपुट डिवाइसेस क्या है, फिर उस पर रोल ऑफ सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उस पर रोल ऑफ आउटपुट डिवाइस एंड फाइनली रोल ऑफ मेमोरी क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, विच इज बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर. वेल, as you can see on the screen, I've made a diagram in which we have input, process, output. So basic आपकी जो तीन operations, main three operations होते हैं हमारे computer के, वो हमारा input, process, output होता है. Input में हम data input करते हैं और process stage पे हमारा जो भी data है वो process होता है. Output stage पे हमें उसका जो result है वो मिल जाता है, जो भी data हमारा process हुआ है. Storage जो है वो एक तरह से हमारा fourth operation होता है, क्योंकि इसमें कभी कभी जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आउटपुट हम देखते हैं, उसको हम अपनी स्टोरेज डिवाइसेस में एक तरह से सेव कर सकते हैं. और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके स्टोरेज आपकी जो डिवाइस होती है वहाँ पर सेव रहते हैं, विच एक्चुअली कैन बी यूज एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग. जो भी डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम जो हैं एक तरह से अपनी स्टोरेज डिवाइसेस में सेव कर सकते हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टोरेज एक तरह से हमारा फोर्थ ऑपरेशन है. उस पर नेक्स्ट हम आते हैं रोल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस के ऊपर. इनपुट डिवाइसेस हम बेसिकली यूज़ करते हैं टू एंटर डेटा. हमें मतलब सिस्टम में हमें कोई भी किसी का डेटा एंटर करना है तो हम इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. तो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो हमारे कीबोर्ड है, माउस या और माइक्रोफोन है. कीबोर्ड की मदद से हम कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं, माउस की मदद से हम अपनी स्क्रीन पे कोई जो भी बटन्स दिए हुए हैं फॉर डिफरेंट कमांड उनको क्लिक कर सकते हैं, और माइक्रोफोन के थ्रू हम बेसिकली कोई चीज़ जो है अपना इंस्ट्रक्शन बोल के हम अपने कंप्यूटर को दे सकते हैं. और एट टाइम अगर हमें कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करनी है अपने कंप्यूटर के अंदर, कोई ऑडियो फाइल या कोई भी चीज़, तो हम विद हेल्प ऑफ माइक्रोफोन वो हम कर सकते हैं. और माइक्रोफोन का काफ़ी यूज़ होते हैं वेल वाइल यू आर बेसिकली कन्वर्सिंग विद समबडी एल्स थ्रू कंप्यूटर, और उस वक्त हम माइक्रोफोन का भी इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं अपने रोल ऑफ सीपीयू पे. बेसिकली जब भी हमारा डेटा इनपुट होता है वो उसको प्रोसेस होना होता है, तो प्रोसेस होने के लिए हम अपने सीपीयू को इस्तेमाल करते हैं. इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये बेसिकली जो भी डेटा इनपुट होता है उसको प्रोसेस करता है एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्स. फिर हम आते हैं रोल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस पे. आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जिसके थ्रू हमें हमारा रिजल्ट मिलता है. दैट मीन्स हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया था उसको हमारे सीपीयू ने प्रोसेस करा और उसका आउटपुट वो हमें कहाँ शो करेगा, वो हमें शो करेगा हमारी आउटपुट डिवाइसेस पे. तो आउटपुट डिवाइसेस में जो मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस है वो आपके मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर. मॉनिटर के ऊपर हमें डिस्प्ले दिखाई देता है, जो भी हमारा आउटपुट था उसका एक तरह से डिस्प्ले रिजल्ट जो है वो हमें हमारे मॉनिटर पर दिखाई देता है. प्रिंटर हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जहाँ पर हम चाहते हैं, अगर हमने कोई चीज़ टाइप कर रखी है उसको हम चाहते हैं कि वो हमें किसी पेज पे वो उसका एक प्रिंट आउट मिल जाए, लिख कर मिल जाए हमें बेसिकली इन राइटिंग, तो वह हम प्रिंटर यूज़ करते हैं. फाइनली स्पीकर हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि हम हमारे कंप्यूटर पे कोई ऑडियो फाइल अगर है, हम उस ऑडियो फाइल को सुनना चाहते हैं, तो वह वहाँ हम जो है स्पीकर को यूज़ कर सकते हैं एज एन आउटपुट डिवाइसेस. सो दीज वर दी बेसिकली रोल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस. नाउ वी मूव टू द रोल ऑफ मेमोरी. मेमोरी इज़ अ हार्डवेयर वे डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर. और हमारी जो मेमोरी होती है वो थ्री टाइप की होती है, इसके बारे में अभी बात करूँगा. बेसिकली होता है कि जो हमारे मेमोरी वो एक हार्डवेयर है जिसके अंदर जो भी हमारा हम डेटा सेंड कर रहे हैं अपने सिस्टम में, इनपुट कर रहे हैं, वो भी सेव होता है. साथ साथ जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम उस डेटा के साथ क्या करवाना चाहते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस भी हमारे मेमोरी में सेव होते हैं. और हमारी मेमोरी तीन टाइप की होती है, प्राइमरी या उसे आप मेन मेमोरी कह लीजिए, या फिर उसे आप फिर देन वी हैव सेकेंडरी मेमोरी, और फाइनली हमारी कैश मेमोरी. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ मेमोरी और ये तीन टाइप की मेमोरीज, इनके बारे में फर्दर इन द नेक्स्ट लेक्चर बात करूँगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू कंक्लूड माई लेक्चर एट दिस पॉइंट, एंड नाउ आई वॉन्ट कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट और कन्फ्यूजन तो आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन ऑन द ग्रुप, और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी बुक से पेज नंबर 1 चैप्टर 1 का जो है उसको आप एक दफ़ा से रीड करें, और उसके अंदर अगर आपको कोई अगेन डाउट या कन्फ्यूजन होता है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू.